सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रविवार को कश्मीर घाटी के केबल ऑपरेटरों से कहा है कि वो तुर्की, मलेशिया और ईरान के किसी भी चैनल का प्रसारण न करें। श्रीनगर में सूचना विभाग के दफ्तर में मंत्रालय के सीनियर अधिकारी विक्रम सहाय ने केबल ऑपरेटरों के साथ बैठक की। ऑपरेटरों के अनुसार अधिकारियों ने केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995 का हवाला देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसका पालन जरूरी है। विक्रम सहाय सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। उन्होंने ऑपरेटरों से कहा कि जो मुस्लिम देशों और खासकर ईरान, तुर्की और मलेशिया के चैनलों का प्रसारण कर रहे हैं वो कानून तोड़ रहे हैं। सहाय ने कहा कि मलेशिया के किसी भी चैनल का प्रसारण नहीं होना चाहिए। सहर टीवी ईरान का धार्मिक चैनल है और शिया मुसलमानों के बीच खासा लोकप्रिय है। ऑपरेटरों ने कहा कि उन्हें सऊदी अरब के अल अरबिया चैनल का भी प्रसारण नहीं करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अधिकारियों ने इसकी जानकारी भी मांगी कि घाटी में सबसे लोकप्रिय टीवी शो कौन सा है। 5 अगस्त के बाद से घाटी में संचार के कई माध्यमों पर पाबंदी है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद से अब तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार एक महीने के अंतराल के बाद मलेशिया की इंडोनेशिया की तुलना में प्रति टन $5 की छूट के बाद भारतीय कंपनियों ने तेल खरीदना शुरू कर दिया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने संयुक्त राष्ट्र में कहा था कि भारत ने कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। भारत के लिए यह बयान किसी झटके से कम नहीं था। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान ने भी इस साल सितम्बर में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया था। राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 72 वर्षों से कश्मीर समस्या का समाधान खोजने में नाकाम रहा है। अर्दोगान ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर समस्या को बातचीत के जरिए सुलझाएं। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बावजूद कश्मीर में 80 लाख लोग फंसे हुए हैं। तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया। भारत तुर्की के इस रुख से नाराज दिखा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इसके जवाब में कहा था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि तुर्की और मलेशिया का रुख बहुत ही अफसोसजनक है। इसके बाद से तुर्की और मलेशिया के साथ भारत के संबंधों में तल्खी दिखी।